हेलो लिसनर, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज हम देखेंगे अ शॉर्ट पोएम जो कि द ओल्ड वुमन है, जो कि सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे इस पोएम के बारे में। तो ये जो ओल्ड वुमन पोएम है वो बर्ड ऑफ टाइम कलेक्शन में से लिया गया है। ये इसके हर स्टैंजा में 14 लाइन है। उसमें जो लास्ट के 3 लाइन है वो अरेबिक में है, जो कि अरेबिक और इंग्लिश का एक अच्छा सा कोड मिक्सिंग दिखाया गया है इस पोएम में। और इसकी जो राइम स्कीम है वो कितना है, 11 लाइन की है, लास्ट के 3 लाइन छोड़ के, जिसका राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी ए बी सी सी डी ई ई डी। ये जो पोएम है, इस पोएम में एक बूढ़ी औरत रहती है, उसके बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से उसकी गरीबी को दिखाया गया है, और बताया गया कि वो ओल्ड एज में कैसे रहती है, उसका कोई अपना नहीं है। इसमें जो बूढ़ी औरत है उसका रोल एक बैगर का है, मतलब भिखारी का है, जो भीख मांग के अपना गुजारा करती है। इस पोएम के थ्रू सरोजनी नायडू ने ये भी बताया है कि इंसान का जो बिहेवियर कैसा है टाइम के अकॉर्डिंग अपने पेरेंट्स के लिए चेंज हो जाता है। और पोएम के थ्रू सरोजनी नायडू यंग जो जनरेशन्स है उसे ये भी अपील करती है कि वो अपने एल्डर्स का ध्यान रखे और उन्हें पूरी तरह से उस बुढ़ापे में उनको सपोर्ट करे। सो लेट्स सी द पोएम। अ लोनली ओल्ड वुमन सिट आउट इन द स्ट्रीट नीड द बो ऑफ अ बनियान ट्री। यहाँ पर वो कहती हैं कि एक बूढ़ी औरत जो एक गली में बैठी रहती है जहाँ पर एक बनियान ट्री है, और कभी कभी वो बनियान ट्री के नीचे भी बैठती है। एंड हियर्स द ब्राइट इको ऑफ हरिंग फीट, द पिगेंट ऑफ लाइफ गोइंग ब्लाइटली एंड फ्लेट टू द फेस्ट ऑफ एटर्निटी। और वो बैठे बैठे लोगों के पैरों की आवाज़ सुनती रहती है, और वो अपने लाइफ के एंड को देखना चाहती है। वो लाइफ के एंड का इंतज़ार कर रही होती, यानी कि वो अपने मौत का इंतज़ार कर रही होती है। अब यहाँ पे जो लाइन रिप्रेजेंट की गई है कि हियर्स द ब्राइट इको, अब ये पैरों की आवाज़ को क्यों सुनती है, बिकॉज़ ये देख नहीं सकती है, इसलिए वो पैरों की आहट से समझ जाती है कि कोई उसकी ओर आ रहा है। हर टर्म्यूलियस हैंड्स होल्ड अ बैटरेड वाइट बॉल। तो उसके कांपते हुए जो हाथ हैं, उस हाथ में एक सफ़ेद कलर का छोटा सा कटोरा है। इफ़ पर चांस इन योर पिटी यू फ्लिंग हर अ डॉल। जो उसके कांपते हुए हाथ है वो किसी के दया का इंतज़ार कर रहे हैं। शी इज़ पुअर, शी इज़ बैंड, शी इज़ ब्लाइंड। वो कैसी है, वो गरीब है, मतलब झुकी हुई है एकदम से, और वो अंधी भी है। बट शी लिफ्ट अ ब्रेव हार्ट टू द जेस्ट ऑफ द डे। लेकिन उसका जो दिल है वो कैसा है, वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर है, इसलिए उसे ब्रेव हार्ट के साथ कंपेयर किया गया है। एंड हर विथरेड ब्रेव वॉइस क्रून इट्स पियन ऑफ प्रेस। और जो उसकी आवाज़ है वो कैसी है, वो हमेशा दूसरों को दुआएं ही देती रहती है। ला इलाहा इलाही अल्लाह, ला इलाहा इलाही अल्लाह, मोहम्मद अर रसूल अल्लाह। ये जो लाइन है ये अरेबिक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें दिखाया गया है कि वो जो बूढ़ी औरत है वो सबको क्या करती है, दुआएं देती है, और भगवान उनका भला करे ऐसा वो कहती है। सो लेट्स सी द अनदर स्टैंजा ऑफ द पोएम। इन होप ऑफ योर सक्सेस हाउ ऑफन इन वेन, सो पेशेंट शी सिट्स एट माई गेट। सो यहाँ पोएट कहती है कि कभी कभी पोएट ने देखा है कि वो उनके गेट पर भी बैठी रहती है, और बहुत पेशेंस तरीके से और बहुत ही ज़्यादा शांति से। इन द फेस ऑफ द सन एंड द विंड एंड द रेन। वो ये नहीं देखती कि सूरज निकला हुआ है कि नहीं, हवा चल रही है कि नहीं, या बारिश तो नहीं हो रही। इट्स मीन कि यहाँ पे हमें ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भिखारियों की जो सिचुएशन होती है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। Holding converse with poverty, hunger and pain and the ultimate sleep that await. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बूढ़ी औरत है उसके पास क्या है, वो एक तो वो गरीबी में है, उसके पास गरीबी है, ऊपर से वो भूखी है, इसलिए वो क्या है, वो अपने अल्टीमेट स्लिप का इंतज़ार करती है, यानी कि वो अपने मरने का इंतज़ार कर रही है। In her youth she hath comforted lover and son, in her weary old age oh dear god is there none. अब यहाँ बताया गया है कि जब वो जवान थी तो किस तरह से उनकी लाइफ में उनका लवर था, यानी कि उनके हस्बैंड थे, और उनका एक बेटा भी था, लेकिन जब वो बुढ़ापे की एज में आई तब उनके पास कोई नहीं है। To bless her tired eyelids to rest.
अब यहाँ पे जो पोइटिस हैं वो भगवान को बोलती है कि हे भगवान, इन पे दया करो और इनको अपना आशीर्वाद दो। मोर क्लियर दैन द क्राई ऑफ हर सोरो एंड नीड इज़ द फेथ दैट लॉर्ड सोलेस हर ब्रेस्ट। यहाँ पे पोइटिस बात करती हैं कि जो उनका जो दुख है उसके बारे में, इतना दुख झेलने के बाद भी जो उनका उनकी जो आत्मविश्वास है वो आज तक कभी टूटी नहीं। ला इलाह इलाही अल्लाह, ला इलाह इलाही अल्लाह, मोहम्मद अर रसूल अल्लाह। और ये क्या है, ये ब्लेसिंग्स लाइन है किसकी, उस बूढ़ी औरत की जो वो बाकी लोगों को देती रहती है। सो बेसिकली हम इस पोएम में देख सकते हैं कि इस पोएम में एक बैगर की जो सिचुएशन होती है उसको दिखाया गया है, यानी कि भिखारी की जो सिचुएशन होती है कि वो किस तरह से परेशानियों का सामना करते हैं। उनके पास खाने को खाना नहीं होता, उनके पास कपड़े नहीं होते, उनके पास शेल्टर नहीं होते रहने को, किस तरह से वो अपना गुजारा करते हैं। प्लस इसमें बूढ़ी औरत की सिचुएशंस को भी दिखाया गया है कि बुढ़ापे की एज में क्या होता है, और इस तरह से बुढ़ापे को भी रिप्रेजेंट किया गया है कि बुढ़ापे में आदमी कैसे खुद को अकेला महसूस करता है, कैसा वो अकेलापन सा उसके जीवन में आ जाता है, और सारे लोग होते हुए भी उसका कोई अपना नहीं होता है। होप सो कि वीडियो आप लोग को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ शेयर द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर मैं आपके लिए इतना कर सकती हूँ तो आप मेरे लिए छोटा सा काम तो कर ही सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो बाय बाय।